नोटबंदी के बाद पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग पैसे पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बैंकों में भीड़ कम करने के लिए सरकार ने एक और थोड़ा राहत देने वाला फैसला किया है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जैसी स्याही वोटिंग के वक्त उंगली में लगाई जाती है, वैसी ही स्याही अब नोट बदलवाने के बाद भी लगाई जाएगी। इस स्याही को आसानी से हटाया नहीं जा सकेगा और इससे ये फायदा होगा कि एक व्यक्ति बार बार लाइन में नहीं लगेगा और उसकी पहचान आसानी से हो पाएगी। सरकार का कहना है कि कई जगह से देखने को मिला है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग बैंक में जाकर पैसे एक्सचेंज करा रहा है। इसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वित्त सचिव ने ये भी कहा कि जनधन खातों का गलत इस्तेमाल ना हो, इस पर भी सरकार की नजर है। साथ ही खुले पैसों की परेशानी ना हो, इसलिए सरकार ने मंदिरों और ट्रस्टों से छुट्टे पैसे बैंकों में जमा करने को कहा है। वहीं आज से एटीएम और बैंकों से लोगों को 500 रुपए का नोट मिलने लगेगा। इससे पहले लोगों को एटीएम से सिर्फ 100 का नोट ही मिल रहा था। वहीं बैंकों से मिले 2000 रुपए के नोट को खुला करवाने की समस्या के चलते लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत आ रही है। वहीं एक और राहत देने वाली खबर ये भी है कि दिल्ली में कल से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुराने नोटों का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। मेले में देशी और विदेशी कारोबारी बिना किसी झिझक के 500 और 1000 के नोट स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि व्यापार मेले पर नोट बंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सरकार ने जरूरी जगहों पर 24 नवंबर तक पुराने नोटों के इस्तेमाल की मियाद बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ बैंकों में पैसा जमा कराने और निकासी का काम भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि जब से केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाई है, तब से अब तक बैंकों से 30,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जबकि 3,00,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। सरकार भले ही नोटबंदी से बचे हाहाकार को खत्म करने के लिए रोज नए ऐलान कर रही हो, पर हकीकत तो यह है कि लोगों की परेशानी सरकार के राहत भरे फैसलों से कहीं ज्यादा बड़ी होती जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।